दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भी तेजी बनी हुई है। स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है इस लेवल पे और अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जेपी पावर का हमारे सामने क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट इस बार शानदार रहने की पूरी संभावना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा रहा है पिछले इस क्वार्टर के दौरान और इस वजह से उसका फायदा देखने को मिलेगा। इनके रिवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पिछले क्वार्टर वन में हमने देखा है आंकड़े बहुत ही ज़बरदस्त थे और क्वार्टर टू उससे भी शानदार हो सकता है। तो उसके बाद में एक नई रैली आ सकती है और इसके पहले ही यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ जेपी पावर जल्दी ही अपने पूरे के पूरे डेट से बाहर निकल सकते हैं। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होकर आगे अपना बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि जेपी पावर अपने सीमेंट के बिजनेस को बेचना चाहती है। और एक दूसरे जो इन्होंने डिसीजन लिया है, कंपनी आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी एंट्री करने जा रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये जेपी पावर में एक तेजी का वातावरण बना रही है। वैसे स्टॉक की प्राइस तो बहुत ही कम है, एक तरह से देखें तो कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है। तो यहाँ पे जेपी पावर को लेकर बहुत सारी अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में हमें निवेश करना चाहिए, क्या ये छोटा सा पेनी स्टॉक हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे पेनी स्टॉक में से ही ऐसे काफ़ी स्टॉक होते हैं जो आगे जाके मल्टी बैगर बन जाते हैं, वैसी संभावना यहाँ पर भी निकल के आ रही है। क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी, तो इसका मतलब कोल पावर प्रोजेक्ट जितने भी चल रहे हैं उनका कारोबार तो बढ़ेगा ही। दूसरी तरफ सरकार यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी लाने जा रही है जिसके माध्यम से डिस्कॉम पेमेंट नहीं चुका पा रहे उसके ऊपर भी लगाम लगेगी क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी एंट्री करेंगे। तो ऐसे में आने वाले समय पावर सेक्टर में तेजी आ सकती है, तो क्या इसका फायदा हमें इस समय उठाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स फिलहाल 59,190 के स्तर पर है। 2:15-2:30 बजे का टाइम है। 230 पॉइंट की तेजी है, 0.39% BSE सेंसेक्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 25,851 के स्तर पर 0.28% की तेजी है। तो तेजी मामूली से, इतनी बड़ी तेजी बाजार में नहीं है। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 7.90 पर ओपन हुआ, 7.75 का लो बना, 8.05 का हाई है और फिलहाल अभी 2 बजे के आसपास 7.90 पर ट्रेड कर रहा है। 1.28% की शानदार तेजी है, कल भी हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी थी। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 49.06% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है क्योंकि स्टॉक 5 रुपये के आसपास था 21 अक्टूबर को, तो काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है पिछले एक साल में। 6 महीने की बात करें तो स्टॉक में 4.64% की हमें तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि 6 महीने पहले स्टॉक 7.55 के आसपास था। लेकिन 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक में हमें कुछ गिरावट देखने को मिल रही है 2.47% की, क्योंकि स्टॉक 8 के आसपास था, वहाँ से कुछ नीचे अभी फिलहाल। लेकिन पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें स्टॉक में फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है, 3.95% की हमने तेजी देखी है। तो कुल मिला के स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल भी 7 करोड़ का वॉल्यूम और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लगभग स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आज भी 4 करोड़ का वॉल्यूम हो गया, अभी बाजार शुरू है, वॉल्यूम और बढ़ेगा। अब यहाँ पे पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो एक तरह से स्टॉक विनर रहा है दूसरे पावर सेक्टर के शेयरों में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 फिलहाल रिलायंस इंफ्रा दिखाई देगा जिसने 37.76% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है 3 महीने के हिसाब से। लेकिन उसके बाद में जेपी पावर वेंचर्स दिखाई देगा जिसने पिछले 3 महीने में 25.12% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो काफ़ी शानदार रिटर्न दिया पिछले 3 महीने में, 25% की हमने तेजी देखी है जेपी पावर में। लेकिन इस दौरान अगर अमला गेटेड की बात करें तो 44.55% गिरा है। कर्मा एनर्जी की बात करें तो उसमें 14.92% की हमने तेजी देखी है। वीर एनर्जी में 16.29% की हमने तेजी देखी है। NHPC में 18.25% की तेजी थी। ऊर्जा ग्लोबल में 3.10% की तेजी। WLA सोलर की बात करें तो 6.62% दौड़ा है। अदानी पावर 16.67% की तेजी दिखाई है। GVK पावर में 2.57% की तेजी थी। रतन इंडिया 11.40% दौड़ा और एनर्जी देखें तो 5.64% की तेजी थी। और तो ये आप देख सकते हो कि रिलायंस इंफ्रा के बाद 2 है जेपी पावर। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है पिछले 3 महीने में स्टॉक ने, एक तरह से विनर रहा है। अब यहाँ पे कंपनी Q2 का रिजल्ट देने जा रही है 22/10/2022, यानी इसी महीने की 22 तारीख को रिजल्ट हमने सामने होगा। अब 2-3 दिन बाकी है, रिजल्ट पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है। पिछले साल भर की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आंकड़े काफ़ी ज़्यादा शानदार रहे। जून 2021 को इनका रेवेन्यू 915 करोड़ का था, सेप्टेम्बर 2021 में 902 करोड़ का रेवेन्यू था, दिसंबर 2021 में ये 1401 करोड़ का रेवेन्यू और मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू 1406 करोड़ का था,
जो जून 2022 में बढ़के 1820 करोड़ तक पहुंच गया। तो पिछले एक साल में रिवेन्यू दुगुना हो चुका है, तो एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और इस बार आंकड़े और भी शानदार और उत्साहवर्धक रह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़बरदस्त बढ़ी थी और इसकी वजह से इनके बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात है इनके प्रॉफिट लॉस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जून 2021 में कंपनी को 4.34 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर 2021 में कंपनी को 1.42 करोड़ का लॉस हो गया, दिसंबर में कंपनी को फिर से 107 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मार्च क्वार्टर में कंपनी को लॉस हुआ था 2.27 करोड़ का। उसके पीछे वजह ये थी कि उस समय कोल की प्राइस भी बढ़ी थी और इस वजह से इनको थोड़ा सा जो कॉस्ट बढ़ने की वजह से और सामने जो इन्होंने बिजली बेची उसमें कोई प्राइस इतनी नहीं बढ़ाई गई थी, उस वजह से थोड़ा लॉस हुआ। लेकिन जून क्वार्टर में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया, 242 करोड़ का ज़बरदस्त बम्पर प्रॉफिट मिला। तो ये जो प्रॉफिट है ये बहुत ही शानदार है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो FI बाज़ार में फिर से खरीदार बन चुके हैं और उनका निवेश JP Power में आना शुरू हो चुका है। अगर हम 13 अक्टूबर की बात करें तो FI ने 1636 करोड़ की बिकवाली की थी, 14 अक्टूबर को उनकी बिकवाली थम के 1011 करोड़ तक आ गई और 17 अक्टूबर को उन्होंने मात्र 370 करोड़ की ही बिकवाली की। कल 18 अक्टूबर को उन्होंने 153 करोड़ की बिकवाली की। जिस तरह से आंकड़े लगातार गिरे उससे एक बात समझ में आ रही है कि आज आंकड़े पॉजिटिव हो सकते हैं। और इसी तरह से ये जो निवेश है ये JP Power में भी आ रहा है, क्योंकि JP Power में लगातार उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। आप देख सकते हो जून 2021 में जहाँ पे उनकी होल्डिंग 0.58% की थी, जो लगातार बढ़ते हुए जून 2022 में 2.83% तक आ गई, लगभग 3% के आसपास FI की होल्डिंग है। और FI जब बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके तो उनका निवेश तो JP Power में आएगा ही आएगा और इसीलिए स्टॉक अब दौड़ेगा। यहाँ पे कुछ अच्छी बड़ी डील हुई है जिसके माध्यम से आज खरीदारी हुई। आप देख सकते हो सुबह बाजार खुलते ही 9:36 पर 7.85 की प्राइस से 26,52,000 शेयरों की ये बिकवाली है। लेकिन उसके बाद 9:43 पर 7.65 की प्राइस से 13,92,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:08 पर 7.75 की प्राइस से 10,62,000 शेयरों की बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद उसी समय देखें तो कुछ समय बाद 10:45 पर 7.70 की प्राइस से 20,99,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 11:07 पर 7.75 की प्राइस से 19,75,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। और 11:45 पर आप देख सकते हो 7.80 की प्राइस से उसी समय 15,50,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:07 पर 7.85 की प्राइस से 15,53,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:26 पर 7.85 की प्राइस से 11,29,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 1:36 पर 7.90 की प्राइस से 11,91,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि आज काफ़ी जम के खरीदारी हुई है। ये खरीदारी FI की तरफ से हो सकती है और इसीलिए स्टॉक में अब आने वाले समय फिर से तेज़ी आ सकती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए अपने सीमेंट के बिजनेस से बाहर निकल रहे हैं और इस वजह से कंपनी मजबूत लग रही है इस लेवल पे। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 91% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, लोगों का रुझान अच्छा खासा स्टॉक के साथ बना हुआ है। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट शुरू होती है तो 7.62 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूट गया तो स्टॉक फिर 7.43 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और इस सपोर्ट पे भी अगर स्टॉक नहीं रुका तो तीसरा सपोर्ट 7.27 का है, यानी गिरावट हुई तो ये आपको 7.27 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। या फिलहाल बड़ी गिरावट की संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही स्टॉक में, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है स्टॉक। ऊपर की तरफ मूव करने पर 7.97 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे इंट्राडे में इसको ब्रेक भी किया है। सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो 8.13 का है, इसको पार कर लिया तो फिर 8.32 तक स्टॉक जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय स्टॉक फिर से 2 डिजिट में जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना चाहिए JP Power में, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।